भाई थोड़ा मैटर पे और तो सब ठीक है। बाकी रीजनिंग जीएस वगैरह सारी ओके थी। टफ था रीजनिंग, बाकी छूट जा रहा है क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि उसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा दे रखे ना, हार्ड ना कुछ भी, कुछ भी हार्ड ना। पढ़ने वाले मैथ में आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। और इसमें से छूट गया मेरा, मतलब समथिंग थोड़े रीजनिंग में से छूट गए 2-4%। टाइम टेकिंग हमने पूरे क्वेश्चंस कर दिए, हिंदी में से 2-4 सवाल मैंने पेपर तुक्के करके दिया, देखो एक भी सवाल बता नहीं पा रहा मैडम। भाई सवाल बताओ ना मैडम से, पूछ लो क्या है भाई। मैं पेपर दिया है, भूल भी गया। मेरा पेपर अच्छा गया वैसे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। हाँ जी, मैंने A147 किया है। सिर्फ 47 रह गए? जी। इतने में हो जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा? कोई नहीं, वो ऊपर वाली माता रानी है, सब कर देगा भोले बाबा। कोचिंग वगैरह नहीं लिया था? कोचिंग भी की है मैंने सर। हाँ जी, जी। क्वेश्चन कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है? कुछ बस रीजनिंग और हिंदी तो इजी है। हाँ। और प्लस जो जीएस में कैसा आ रहा है? जीएस भी अच्छी थी। हाँ जी, रीजनिंग मैथ थोड़ा हार्ड था, थोड़ा था मतलब मैथ। कैसे तैयारी की है, मतलब पूरा दिन रात तैयारी करी है 24 घंटे? नहाया भी ना हूँ आज सुबह से तो। अच्छा, भाई मेहनत तो करनी होती है, मेहनत तो करनी होती है। ये बताओ कैसा आ रहा है हिंदी में, कैसा सा? भाई थोड़ा मैटर पे और तो सब ठीक है। उत्तर भारत में किसी स्टूडेंट से पूछें क्या बनना चाहते हो, एक ही जवाब मिलता है, यूपीएससी सीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूं। और इस समय जो मूवी आई है, जो दौर आया है सोशल मीडिया का, इसने ये बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति आईएएस और आईपीएस बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई स्टूडेंट इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर आती है कोचिंग इंडस्ट्री जो कहती है कि अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो लाइए 1-2 लाख रुपए दीजिए। और ऐसे में बहुत से बच्चे अपने सपने को छोड़ देते। अगर आप भी ऐसे ही हुआ है या किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं तो उन्हें रिजल्ट मित्रा YouTube चैनल के विषय में बताइए, जहां पर पैसा नहीं मांगा जाता, आपका समर्पण मांगा जाता है। और इस चैनल पर जो क्लास शुरू होती है वो अंत तक फ्री रहती है। आप इस चैनल पर जाएंगे तो कंटेंट की क्वालिटी इतनी शानदार है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। सुनो, स्टूडेंट तो कह रहा है कि हार्ड आ रहा है। ना हार्ड ना कुछ भी, कुछ भी हार्ड ना, पढ़ने वाला हार्ड ना है। आपने कहां से पढ़ा था? कोचिंग करी काम में। हाँ जी, कहाँ से आए हो? सुराने से। अच्छा, आपका पेपर तो अच्छा गया। हाँ जी, बढ़िया। 130 क्वेश्चन कर दिए, क्यों बाकी क्वेश्चंस नहीं आते थे आपको? मैंने उतने ही कोचिंग की थी। कितने क्वेश्चंस कर दिए? रुक जाओ, मैंने 123 अटेम्प्ट करे। 123, बाकी किस में से छूट गया फिर? हैं, किस में से छूट गया? मेरा मतलब समथिंग थोड़े रीजनिंग में से छूट गए 2-4%। टाइम टेकिंग क्वेश्चन? हाँ, टाइम टेकिंग बड़े बड़े से प्रश्न आ रहे हैं थोड़े। अच्छा, क्वेश्चन समझने में ही टाइम लग रहा है। हाँ, कथन और निष्कर्ष बारे ज्यादा। कितने क्वेश्चन आ रहा है कथन निष्कर्ष से? मतलब ज्यादा 15-16% वहाँ में, डिसीजन मेकिंग में। हाँ, तो रीजनिंग में ना, तो मतलब सीटिंग अरेंजमेंट में भी ना है कुछ भी ऐसा खास, ना कैलेंडर ना घड़ी कुछ भी, मैं कायम कुछ भी ना है ऐसा खास। क्योंकि उसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं, मतलब तो इस वजह से वो छूट रहा है थोड़ा। जीएस में सारे कर दिया आपने? जीएस थोड़ा जैसे सोचा था कि टफ आएगी, उस हिसाब से टफ नहीं थी, इजी थी। मतलब जीएस का भी मैथ में, मैथ थोड़ी टफ थी, बाकी और ठीक था। और उसमें हिंदी में कैसा आ रहा है? हिंदी काफी अच्छी थी। टोटल लगभग कितने कर दिया आपने? मैंने 35। कोचिंग कहाँ ली थी? कोचिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन रीजनिंग में क्या क्या? रीजनिंग में वो कार्रवाई कथन कार्रवाई वाले ज्यादा आ रहे हैं। रीजनिंग में लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, लेंथी आ रहा, टाइम टेकिंग ज्यादा है। तो आपके कितने क्वेश्चन कर दिया? हाँ वैसे हो जा रहे हैं पर टाइम ले रहे हैं थोड़े। कितने क्वेश्चन किस में? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट पूरे करके आया हूँ रीजनिंग में। अरे क्या, अच्छा अच्छा ये बताओ जीएस में कैसा आ रहा है? जीएस आसान आ रही है। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे? करंट से कोई एक दो होंगे। उसमें से यूपी जीके से एक दो। स्टैटिक पोर्शन से जैसे कि ज्योग्राफी भूगोल दो तीन लगा लो, इको से एक। अच्छा अच्छा, रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग का वही लेंथी है, मतलब हाँ हो जाएगी इजी। मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से? मैथ में आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। और परसेंटेज से? हाँ, परसेंटेज से नहीं था वो, उसमें HCM LCM से था एक। हाँ, मैथ इजी था या हार्ड? मैथ इजी था, कोई था एक दो क्वेश्चन तो जैसे होते ही हैं वो तो। हाँ, वैसे नॉर्मल आ रहा पेपर। ओके, कोचिंग कहाँ से ली थी आपने? कोचिंग RW। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप बताना चाहेंगे कुछ?
उसमें मैथ में ग्राफ आ रहा था, वो समझ ही नहीं आ रहा था ग्राफ कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा अच्छा, ग्राफ में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आए। ट्रिकी नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था ग्राफ में दे के रखा। अच्छा अच्छा, और बाकी क्वेश्चन? बाकी क्वेश्चंस तो इजी थे, उसमें स्टैटिक में एक दो नृत्य पूछ रखे थे, गुड़ी पड़वा पूछ रखा था। सबसे हार्ड कौन सा सेक्शन था? हार्ड सेक्शन तो जीएसई है, थोड़ा बहुत हार्ड सेक्शन जीएसई है। हाँ मिला, जीएसई है थोड़ा बहुत हार्ड जो भी है। और मैथ में एक दो क्वेश्चन बने नहीं, जैसे पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था वो लास्ट तक बना नहीं, और एक एलसीएम एससीएफ का था उसमें पेयर पूछ रखे थे एलसीएम और एससीएफ थे। ओके मैम, हिंदी के बारे में जीएस को लेकर श्योर नहीं है। जीएस के लेकर आप श्योर नहीं है? कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा थे, कैसे क्वेश्चन थे? 5 से 6 क्वेश्चन थे। कब के करंट अफेयर के थे? अभी रीसेंट के की थोड़े पहले? हाँ रीसेंट के ही थे, और कुछ एक दो पहले के भी थे, बहुत इजी भी थे कुछ। जैसे कुछ बता सकते हैं आप? थोड़ा बहुत भी आपको रिमाइंड आ रहा हो कुछ बता सकते हैं आप? देखिए अभी तो मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ब्लैंक जा रहा है। कोई बात नहीं, रीजनिंग कैसी गई? रीजनिंग ऑल ओवर? रीजनिंग ने आपका श्योर काफी टाइम लिया होगा, बहुत ज्यादा टाइम लिया। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में थे जिन्हें ध्यान से पढ़ना था, जैसे एक क्वेश्चन था कि उसमें होता ना एक वर्ड दिया होता है उसमें से लेटर्स बनाने होते हैं, तो हम सब ये तो सीख कर आते हैं कि कौन कौन से लेटर उसमें मैच करेंगे, लेकिन उसमें उल्टा पूछा था इस बार कि कौन सा लेटर मैच नहीं करेगा। एकदम मतलब थ्योरी बदल दी उसकी, बदल दी, अलग ही कर दिया। अब जिसने उस क्वेश्चन को पूरा नहीं रीड किया होगा उसका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि वो पहले का सोच के आएगा कि ऐसे ही आता है, पहले से पैटर्न ये है कि वो 3 मैच कर जाते हैं 1 मैच नहीं करता। इस बार उल्टा था कि 3 मैच नहीं कर रहे थे 1 मैच कर रहा। और मैं मैथ बताइए, मैथ मैं जानना चाहूँगी, ज़्यादातर लड़कियों से हमने बात करी, लड़कियाँ बोल रही हमने मैथ अटैम्प ही नहीं करा, मैथ छोड़ दिया, बाकी रीजनिंग को अटैम्प कर गया है। मैथ्स आपने कितना किया कैसे? एक्चुअली मैं सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ, तो मैथ्स में लगभग 19 क्वेश्चन थे, तो मैंने 17 अटैम्प्ट किए हैं। 17 अटैम्प्ट किए, 2 क्वेश्चन छोड़े थे। लग रहा है आपको पूरे के पूरे सही जाएंगे? आई थिंक 17 में से 14 सही जाएंगे, 13 से 14। ओके, हम टफ तो नहीं आया दादा, टफ तो नहीं लगा आपको? मुझे लगता है मैथ को लेकर जिन्होंने मैथ पहले से नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि 1 महीने के टाइम में तैयारी करना 1-2 महीने में पॉसिबल नहीं है मैम। लेकिन वैकेंसी तो काफी दिनों से इसकी बात चल रही थी कि आएगी आएगी आएगी, बच्ची जो तैयारी कर रहा होगा वो तो कर ही रहा होगा। हाँ, जिन्होंने पहले से तैयारी की उन्हें फायदा मिला है, डेफिनेटली मिला है, क्योंकि मुझे इस बात का ही फायदा मिला, मैं पहले से तैयारी कर रही थी। और मैम बताइए, बच्चों को कुछ कहना चाहती हैं आप आगे? थैंक यू, ऑल द बेस्ट सबके लिए। ओके मैम।